विश विषय तो मांग लेना, हमें भी कमेंट में बताना क्या मांग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पूरे दिन यार मतलब मैं बिजी था, तो दूसरा वाला कुछ काम आ गया था। मैंने सोचा चलो यार रात को ही व्लॉग बना देते हैं, तो अभी टाइम मिला है तो चलो बना देते हैं एक व्लॉग। आज गणपति का वैसे लास्ट डे है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव के गणपति, जो कि मैंने पूरे मतलब अभी तक तो नहीं दिखाए थे, पर चलो यार आज लास्ट डे है तो चलो दिखा ही देते हैं। और आप थोड़े आशीर्वाद भी ले लेना, आपका भी अच्छा हो जाएगा। कुछ विश विषय तो मांग लेना, हमें भी कॉमेंट में बताना क्या मांगा। तो अभी हम आपको गणपति दिखाएंगे, यहाँ से चलते हैं। हमारे सभी दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और धवल भाई, गाड़ी चलाओगे ना आज? नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगे यार? सिखाया नहीं क्या किसी ने? आते हैं पर चलाने का मूड नहीं है अभी। सो गाइस, फाइनली उठ चुके हैं हमारे गाड़ी का राइडर उठ चुके हैं हमारे, तो अभी फटाफट से यहाँ से हम जाएंगे। गो। दे देता हूँ एक बार। ये जो आप पीछे इतना सुंदर गणपति देख रहे हो, तो ये सब इन्हीं का काम है जो कि सालों से करते आ रहे हैं। तो जंखो में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी हमारे लालू भाई ही अरेंज करते हैं। बैंड बैंड सब यही बुलाते हैं। पहले तो इनके बारे में पूरा बता दूं, तो ये है लालू भाई सुरती और ये है मुनील भाई मोदी। तो ये आपको अभी बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये सब आयोजन किया और क्या खर्चा हुआ और आगे क्या करने वाले है। तो अभी चलिए उन्हीं से सुनते हैं। तो आप लोगों ने ये आयोजन कैसे किया? ये आयोजन हम हर साल करते हैं, बहुत सालों से हम हर त्योहार मनाते हैं। गणेश उत्सव है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, सब यहाँ पे गांव वाले हमको फंड देते हैं। वो फंड से हम मूर्ति लाते हैं, ये डेकोरेशन करते हैं। सब गांव वाले यहाँ पे आते हैं, भाविक भक्त आते हैं, फिर आरती के समय आते हैं, भजन करने आते हैं। अभी कल विसर्जन का टाइम होगा तो विसर्जन में भी आप आना। विसर्जन में भी बहुत पब्लिक आएगा, सब भाविक भक्त आते हैं विसर्जन में भी। अब इसके बाद हम नवरात्रि का प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़ोर से। इस साल नवरात्रि भी हम बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ इस दिन नवरात्रि होती है। यहाँ पे मोदी भाई का बहुत योगदान है और आप लालू भाई का सुरती का बहुत योगदान है। बहुत अच्छे से करते हैं, मटकी फोड़ का काम वो अच्छे करते हैं और सब काम में आगे आते हैं। नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, सब में बहुत आगे आते हैं। उनका बहुत धन्यवाद। वो जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि ये फंक्शन इन्होंने किस तरीके से मतलब पूरा अरेंज किया और आगे बहुत ही धमाकेदार होने वाली है नवरात्रि। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अरेंज इन्होंने अभी से मतलब प्लानिंग कर रखी होगी, तो आपको वो सब तो दिखाएंगे ही हम। तो हमारे साथ बने रहना और 26 डेट से रोज नवरात्रि होगी 9 दिन तक, तो मजा आएगा। हमारे ये दोनों भाई होंगे वहाँ पे, इन दोनों को सपोर्ट करना, हमेशा ये अच्छा काम करते हैं हमारे गाँव के लिए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी कल हमारे गांव में हमारे बापा का विसर्जन होगा, तो बस कल मिलते हैं डायरेक्ट। तो अभी के लिए बाय बाय कर दो, सब्सक्राइब करने को बोलो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।